यार बेबी मैं थक गया। हाँ बेबी मैं भी थक गई हूँ, पर देखो ना बेबी सब कितना अच्छा लग रहा है हमारा नया घर। हाँ हाँ अब तो अच्छा लगेगा ही ना आपको, मैं बोल रहा था ना सोफे यही अच्छे लग रहे हैं, नहीं कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वो कोना कभी ये कोना। पर देखो ना बेबी कितना अच्छा लग रहा है, सब सेट हो गया ना। हो गया ना, अब मुझे काम करना है दो ऑफिस का। अरे बेबी मैं ना तुमको एक बात तो बताने ही भूल गई, मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। नहीं मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, मुझे पता है। अब बोलो चलो किचन में खाना बनाते हैं, मैं नहीं बनाने वाला। तो खाना तो तुम ही बनाओगे ना, मैं थोड़ी ना बनाऊंगी। अरे मेरा मतलब है कि कुछ और सरप्राइज है बेबी, आके तो बंद करो यार। बेबी काम बाद में कर लेना। खोलू? अभी नहीं। अभी हाँ अब खोल लो। पैकिंग लेट मी गेस बेबी, आप मायके जा रहे हो है ना, है ना? मायके? मैं क्यों जाऊंगी मायके? तुम तो चाहते ही हो ना मैं मायके चल जाऊं, तुम्हारा पीछे छूट जाए। अरे नहीं बेबी यार, मतलब मैं नहीं जा रही कहीं मायके वायके। तो ये पैकिंग? अरे वो तो तुम अपने पीछे देखो ना। पीछे? साली साली मेरा मतलब है साली साहिबा जी। हाँ मैं आ गए आप? मैं तो यहीं रहता हूँ ना, आए तो आप है, मेरा मतलब बुलाए गए हैं ना। अच्छा थैंक यू। बेबी ये? अरे बेबी मैंने सोचा नया घर है सब कुछ नया नया है तो ये भी देख लेगी। हाँ आगे इसलिए जब बुला लिया तो याद उसमें छाती बिठा रखा है। एक काम करो ना आप यहाँ जाओ अंदर बेडरूम में रेस्ट करो और आपकी दीदी आपको घर दिखाएंगी है ना। दीदी मुझे ना आपसे बहुत सारी बातें करनी है। अरे बातें तो करेंगे पर ऐसे सूखे सूखे, एक काम करते चाय पीते हैं। हाँ और अगर साथ में नमकीन हो जाती और वो बिस्किट हो जाते ना पांडे जी वाले तो और ही बढ़िया था। अरे तो टेंशन मत ले मैं सब लेके आती हूँ। आप बनाओगे? अरे तेरे जीरू कब काम आएंगे। अरे बीबी तुम चाय पियोगे? हाँ बीबी प्लीज। अच्छा तो एक काम करो किचन वो ना जाके बना लो। हाँ मैं? तो क्या मैं? और एक काम करना ना अपने साथ साथ दो कप और बना लिया कोमल के लिए और मेरे लिए। अरे सुन हेलो। अरे यार अभी महारानी के लिए चाय भी बनाओ। सही है बेटा। अभी आ रहे तेरे जीजू चाय लेके। ठीक है। एक पेन कम थी तो दूसरी भी आ गई, अब दोनों दोनों तांडव करेंगे मेरे छाती पे चढ़ के। इनके लिए चाय बना लो, रात को बोलेंगे इनके लिए खाना बना दो, ये फरमाइशें कम नहीं होंगी, कभी दाल कभी पनीर कभी शाही पनीर। बोलेंगी मीठा कम है चीनी दो बार डालो, लो पी लो चाय। अब ये यार ये फ्रेश मिंट कहाँ पे है, लगता है नीचे से जाके तोड़ के लानी पड़ेगी। चलो जाता हूँ उबल तो इतने। अब बोलेगी कि नमकीन ला के दो, नमकीन बोल दो खत्म हो रखी है। मैं आई कम इन। ये लो चाय। थैंक यू जीजू। और नमकीन? नमकीन नमकीन वो तो खत्म हो गई। काम चल गए इनके।
जीजू आ जा मेरी प्यारी बहना आ जा जीजू किसको बुला रही है? जीजू को? वो तो खुद पट्टू है, वो नहीं आएगा। अबे रात को भी ये बहने सो नहीं देती, कौन चिल्ला रहा है? कहाँ है तू? इधर देखो। पर्दे के पीछे क्या कर रही है? वो बेड इतना बड़ा सोने के लिए दिया तो है तेरे को। चाय अभी बनाता हूँ तुम्हारी चाय। पहली बात तो मैं तुम्हारी चाय भाई कुछ नहीं बनाने वाला, ठीक है? चाय नहीं ये कौन है? ये किसकी है? तुम्हारी तो है ये। अरे ये मेरी नहीं है, मेरी ऐसी नहीं थी। तुम्हारी हूँ बेबी। क्या कर दिया तुमने मेरी दीदी को? हे भगवान। तू कहना क्या चाहती है? तुम देखो वो। अब मुझे कौन संभालेगा, तू या तू? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पू। मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए चाय और नमकीन दोनों चीज लेके आता हूँ, ठीक है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दीदी को संभालो पहले। दीदी तेरी है ना, तू आई थी ना इसे संभालने? अब संभाल संभाल। पहले कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दे। दीदी इसे रख लो, इसे रख लो, मैं जा रहा हूँ। I'm joking. मैं ना सारा काम करूंगा घर का, झाड़ू में मारूंगा, पोछा में मारूंगा, चाय में बनाऊंगा, सब्जी में बनाऊंगा, सब्जी लेके भी मैं आऊंगा, रोटी में बना के लाऊंगा, पर मुझे छोड़ दे। और मैं भी सब मैं करा दूंगी दीदी। चुपचाप जाके सो जाओ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? जाके सो जाओ। मैं जा रहा हूँ सोफे पे सोने। फिर बाहर जाने की बात कर रहे हो तुम? और मैं तो यही सोऊंगी अपने कोने पे। ठीक है ठीक है। जीजू सो जा वरना चुड़ैल आ जाएगी। एक तो ना वो चुड़ैल नहीं है, मेरी दीदी और आपकी बीवी है। आ तो अभी तो चुड़ैल बन के घूम रही है इधर से उधर। हे भगवान क्या करे। एक काम कर सो जा वरना वो आके चाय मांगेगी। सुबह हो गई, कितनी प्यारी प्यारी हड्डियां हैं, मन करता है चाय के साथ डुबो के खा जाऊं। रोना बंद करो और जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ। मैं कोमल तू मेरी प्यारी साली है ना, तू मेरी छोटी साली है ना, एक काम कर अपनी दीदी को चाय दे के आजा। मेरी बहन है तो आपकी वो बीवी है ना? यार मेरी बीवी है तो मैं लेकर किससे आया था? तुम्हारे घर से ना?
दीदी किसको दी? अरे यार तुम अकेला क्यों फंसू, तू भी चल साथ। अरे नैनी जी दो, हम बहुत बुरा फंस गए हैं, आप एक काम करो। नहीं नहीं आप क्यों करोगे, मैं करती हूँ, मम्मी को बुला लेती हूँ, वो इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन दे देंगी। तब तक आप दीदी से निपट लो, जाओ जल्दी। उधर कहाँ जा रहा है? मैं तो इधर हूँ। लो चाय। मैं जाऊँ? नहीं। हड्डी की कमी है, मैं तेरी खा लूँ? नहीं 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 नहीं। ठीक है तो इसकी बहन को बुला दे, मैं उसकी हड्डी खा लूंगी। वो तो गई। कहाँ गई? उसको पोटी आई थी, तेज से पोटी आई थी, पोटी करने गई है। ठीक है मैं बिना हड्डी के काम चला लूंगी। अब तू एक काम कर, जाके झाड़ू पोछा कर ले, नहीं तो ये नाराज हो जाएगी। ठीक है ठीक है। कितना देखती है ना चिकन। ए भगवान, ये चुड़ैल भी मेरी बीवी के अंदर यानी थी क्या? अरे दामाद जी, क्या सुना? जीजा जी क्या पार्टी हो रही है? अरे साले आगे अंदर मूवी चल रही है, देखेगा मूवी? हाँ जरूर देखूंगा। मम्मी गेट क्यों नहीं खुल रहा है? पता नहीं दामाद जी क्या हो रहा है अंदर। क्या हो गया? ट्रिप हो गई शादी। ये ना होएगा। अरे दीदी दी आपने बताया नहीं कि अंदर हॉरर मूवी चल रही थी? यार ऐसे थोड़ी होता है। सासू माँ। हाँ दामाद जी। इलाज बताइए ना, ये बीमारी इसमें नई नई आई है। हाँ मम्मी, पता नहीं दीदी को क्या हो गया है। अरे बेटा परेशान मत हो, करते हैं ना कुछ, सोचने दो मुझे। आइडिया, मैं अभी झुमरू को फोन मिलाती हूँ, तुम्हें नहीं पता। हेलो हेलो झुमरू। लाली इतने दिनों बाद फोन कैसे किया? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है? धंधा तो बिल्कुल मंदा चल रहा है, तुझे तो पता है लोग बाग आजकल आते ही नहीं हैं इलाज करवाने के लिए। धंधा मंदा चल रहा है?
अरे धंधा तो मंदा चलेगा ही ना तेरा, तेरे वहां की सारी चुड़ैलें तो मेरे यहाँ आई हुई है। हैं? वो सब तेरे पास है? मैं भी कहूँ इतने दिनों से मिल नहीं रही। तू चिंता मत कर, मैं आऊंगा और उनको अपने साथ ले जाऊंगा। कल अमावस की रात है, तू उन सबको रात को 12 बजे छत पर लेके चले जाना, मैं वहां पर आकर उनको बांध के ले जाऊंगा। और सुन, मैं जो जो सामान लिखवाऊं वो लेकर आना है। हाँ ठीक है, तो मुझे ना सारा सामान लिखवा दे, और मैं सारा सामान लेके ना और उसको छत पे लेके आऊंगी। अच्छा सुन, ऐसा करना तू ये सारा सामान है ना मुझे व्हाट्सएप कर दे। अरे हाँ हाँ, व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है चल, ये रखूँ और कल याद रखना 12 बजे। दामाद जी आइडिया मिल गया। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही मम्मी, उसको छत पे रात को 12 बजे लेके कौन जाएगा? नहीं, प्लीज यार। अरे लाली, बड़े दिनों बाद याद किया तूने। याद तो कर ही लिया ना। शादी के बाद तो तू बिल्कुल भूल ही गई है मुझको। भूल जाते हैं, काम ही भूल जाते हैं। अरे बिजी भी इतनी मत रहा कर। पर चिंता मत कर, आज का दिन मेरा बदले का दिन है। रुक जा एक मिनट। खड़ी हो तो 10 तक गिन, मैं भी आता हूँ। ठीक है, एक दो तीन बाबा ने बंद कर लिया इसे। बोलो बाबा की जय। बाबा की जय। अब अपने आप बोलो। बोलो बाबा की जय। और कोई काम हो तो बता। हम चलते हैं। तुमने मुझे तो कैद कर दिया, पर मेरा बदला मेरा पति जरूर लेगा।